जैसे किसी भी नाटक के नए एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि अब तक हमने क्या देखा, तो वैसे ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक हमने क्या सीखा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का इतना सा मतलब था कि 100 में कितना, आउट ऑफ 100 केवल 100 में कितना निकालना है, वही उसका प्रतिशत मान होता है। अनुपात को प्रतिशत में बदलना सिखाया था कि अगर किसी भी अनुपात को, जैसे कि मैं आपसे लिख लूं कि 1:3 को प्रतिशत में बताओ, तो 1:3 का मतलब है 1/3, और प्रतिशत में बदलना है इसे 100 से गुणा। किसी भी भिन्न को अगर मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूं तो 100 से गुणा कर देता हूं, 1/3 को 100 में गुणा कर दिया तो यह आ गया 33.1%। तो ये हमने अभी तक सीखा था, और हमने देखा था कि 1% की तुलना की एक संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, और यहां से मुझे स्टार्ट करना था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। हेलो, मैं विकास द्विवेदी आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो टाइप नंबर हम 2 देख रहे थे, जिसमें हमने 1 पढ़ा था का से संबंधित प्रश्न। का से संबंधित प्रश्न में जब भी एक संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, इस तरह का सवाल अगर बनेगा, जैसे मैं लिख देता हूं कि ए बी का कितने प्रतिशत है, इस तरह का सवाल, तो का के सापेक्ष में ही जो भी संख्या आएगी वो हमेशा आपके डेनोमिनेटर को दिखाएगी। इसका मतलब बी का क्या है ए, तो बी में ए का मान ऐसे है a/b, और प्रतिशत में आपको बताना है इसलिए गुणे में 100। तो अगर सवाल इस तरह का बनता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो का के सापेक्ष में या का के पहले जो भी संख्या आएगी वो हमेशा नीचे आएगी, जो बच जाएगी वो ऊपर आएगी गुणे में 100। अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या बचने वाली संख्या एक ही होगी, तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि जब भी प्रतिशत तुलना दो संख्याओं के बीच होगी, प्रतिशत तुलना हमेशा दो संख्याओं के बीच में ही होती है, तो एक संख्या अगर आपने नीचे लिख दिया है तो एक संख्या ही ऊपर बचेगी। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि प्रतिशत का मतलब है 100 में कितना, और प्रतिशत तुलना हमेशा दो संख्याओं के बीच ही होती है। जिस संख्या के बाद में का आता है वो संख्या नीचे आ जाएगी, जो बच जाएगी वो ऊपर गुणे में 100। जैसे मैं लिख दूं साठ 15 का कितने प्रतिशत है, तो का के सापेक्ष में क्या है 15, ये नीचे आ गया ऊपर 60 आ गया गुणे में 100। 15 × 60, 4 × 100 कितना आ गया 400%। तो यही सवाल का उत्तर है ना। तो आइए, एक तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में बी टाइप की प्रतिशत वृद्धि से सवाल, प्रतिशत वृद्धि से प्रश्न, बहुत सवाल यहां से बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कहूं पहला प्रश्न, पचहत्तर 60 से कितने प्रतिशत अधिक है, 60 75 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप के लिए क्या बताओगे। मैंने कहा कि आप अगर प्रतिशत को नहीं समझ पाते हो तो आप प्रतिशत ही हटा दो। 60 से कितना अधिक है 75, सवाल आपका यह है कि 75 60 से कितना अधिक है, तो 75 60 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 15 अधिक है। मैं कहूंगा कि भैया इसे भिन्न में लगा के दिखाओ, तो आप कहोगे कि 15 अधिक है, और मैं कहूंगा 15 अधिक है किससे, तो कहोगे आप 60 से अधिक है। इसका मतलब 75 60 से कितना अधिक है 15, तो मैंने कहा ये 15 60 का कितना भाग है, तो आपने लिख दिया 15/60। इसका ये मतलब है कि 60 में 15 का मान हमें बताना है, तो 60 में 15 हम लिख सकते हैं 15/7, मतलब 15 × 15, 15 × 60, 1/4 है 15/60 का। मैंने कहा कि प्रतिशत में बताना है, भैया भूल गए क्या, तो आपने प्रतिशत लिख दिया 100 से गुणा कर दिया, तो 100/4 को जब काटोगे तो क्या जाएगा 25%।
तो यहां से आपने सीखा कि 75-60 से कितना अधिक है, 75-60 से कितना अधिक है 15। मैंने कहा कि इसे प्रतिशत में बता दो, तो 15/60 × 100। अब किसी को लगता है कि सर नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको, आपको लगता होगा या आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपके मन में जो सवाल बनेंगे वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चे वहां से जो डाउट पूछते हैं वही डाउट मैं यहां पर भी आपको बताता हूं। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा डाउट है जो मैं बताना भूल गया हूं और आपके मन में आ जाए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर सवाल प्रतिशत वृद्धि का है तो आप ये इस बात को याद रखिए अब कि प्रतिशत से संबंधित कोई भी तुलना जब भी होगा तो वो दो संख्याओं के बीच ही होगी। तो अगर प्रतिशत वृद्धि का सवाल है तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, नीचे आएगी हमेशा छोटी संख्या और प्रतिशत में बताना है इसलिए गुणे में 100। यहां से आप इतनी सी बात जान गए होंगे कि प्रतिशत का जो भी फॉर्मूला होता है उसमें 100 से ही गुणा क्यों होता है, क्योंकि चीजों को प्रतिशत में बताना संभव नहीं है। तो पहले उसको हम अनुपात में बताते हैं कि एक दूसरे का कितना भाग है, एक संख्या में दूसरी संख्या का क्या स्थान है, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना भाग है, और फिर उसे हम 100 से गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत का रूप ले लेती है। तो अगर सवाल आपसे ये आता कि 75-60 से कितने प्रतिशत अधिक है तो इस बात को आप जान जाते हैं कि प्रतिशत अधिक जैसी तुलना हो रही है, प्रतिशत वृद्धि की बात की जा रही है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 75-60, यह अंतर है। नीचे छोटी संख्या, छोटी क्या है 60, तो नीचे लिख दिए 60 × 100। 75 में 60 माइनस किया 15, नीचे 60 × 100, 20 × 60 20 × 100, 3 × 15 कितना आ गया 25%। तो बड़ी आसानी से इस चीज को हमने समझा। ऐसा नहीं कि आपको मैं अभी एक एक सवाल बता रहा हूँ, बाद में ऐसा नहीं कि और चैप्टर बदल दूंगा। इस सवाल के पहले कॉन्सेप्ट कर लीजिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, बाद में ताकि आपकी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँ तो आप बड़ी खुशी खुशी से सारे सवाल लगा सको। आइए टाइप नंबर 2 में सी था, प्रतिशत कमी से प्रश्न। जैसे कि सवाल मैं पूछूं साठ 80 से कितने प्रतिशत कम है, तो आपके मन में सवाल आ गया कि अरे सवाल तो प्रतिशत कम का आ गया है। तो तुलना केवल तीन तरह की होती है, एक डायरेक्ट तुलना का के की वाली जो हमने पहले देखा, फिर प्रतिशत अधिक की तुलना, और अब आ रही है प्रतिशत कमी की। इनके अलावा प्रतिशत पे कोई सवाल आपको तुलनात्मक नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि भाई 60-80 से कितना कम है 20 कम है। आप वो कह रहे हैं कि आप यही प्रतिशत बता दो कितने प्रतिशत कम है, आप तो प्रतिशत कम पढ़े ही नहीं हो, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो आप पहले बताओगे 60-80 से कितना कम है। मैंने कहा 20 कम है। मैंने कहा कि यार एक तुलनात्मक बता दो कितने भाग 80 का कम है, तो मैंने कहा कि भाई 80 का जो 20 है 80 में 20 कम है तभी 60 आता है। तो मैंने लिख दिया कि 20/80 कम है, 20/80 कम, मतलब 20/80 का कितना है 1/4 दिख रहा है। तो 80 का 1/4 कम है, 80 का 1/4 निकालूंगा तो 80 का 1/4 क्या होगा 20, 20 कम है तभी 60 मिल रहा है। तो आपने लिख दिया कि 20/80 कम है। मैंने कहा यार याद आ गया प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताने का मतलब है कि 100 से आप गुणा कर दो, तो 20 × 20 20 × 80, 100/4 को आप सॉल्व करो कितना जाएगा 25%। फिर से जवाब आ गया 25%। तो इतना अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या पढ़ेंगे कि अगर तुलना है प्रतिशत कमी की, याद रखिएगा प्रतिशत कमी की, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आएगा। प्रतिशत कमी है तो नीचे हमेशा आएगी बड़ी संख्या और गुणे में 100, क्योंकि हमें बताना है प्रतिशत में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में।
तो हमने क्या सीखा वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर कि आपसे अगर इतना पूछा जा रहा है कि 60-80 से कितने प्रतिशत कम है, तो आप ध्यान दोगे कि भाई सवाल तो प्रतिशत कम का है, प्रतिशत कमी का है। और सर ने ये समझाया है कि प्रतिशत कमी की तुलना जब भी होगी दो संख्याओं के बीच होगी, और प्रतिशत कमी कहता है कि संख्याओं के बीच का अंतर आप लिखेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 80 और 60 का अंतर। अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देना। घटाओ अलग बात है, घटाओ से छोटी से बड़ी संख्या भी घट सकती है, बड़ी से छोटी संख्या भी घट सकती है। घटाओ का मान माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, लेकिन अंतर जहां पे लिखा है अंतर सदैव धनात्मक होता है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटानी है। तो 80 में 60 घटाए अंतर आ गया, नीचे बड़ी संख्या ये बड़ी, ये बड़ी 80 बड़ी गुणे में 100, तो 80 में 60 गए 20, नीचे है 80 गुणे में 100, तो यहां से काट दिया 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 से काटा 100 को कितना आ गया 25%, यही सवाल का सही उत्तर था। तो ये तीन चीज हमने देखी कि प्रतिशत तुलना तीन प्रकार की होती है, एक का से संबंधित, जब भी का से संबंधित मिलेगी कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, का वाली नीचे रख देंगे बची ऊपर रख देंगे गुणे में 100। अगर प्रतिशत वृद्धि की तुलना है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ऊपर नीचे छोटी संख्या गुणे में 100। अगर प्रतिशत हानि की, प्रतिशत कमी की तुलना है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ऊपर नीचे बड़ी संख्या गुणे में 100। यही प्रतिशत वृद्धि आगे जाके लाभ प्रतिशत बन जाएगा और यही प्रतिशत कमी आगे जाके आपकी हानि प्रतिशत बन जाएगा। तो हम यहाँ प्रतिशत से लाभ हानि को भी समझेंगे, साधारण ब्याज को भी समझेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज को भी समझेंगे। थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इन तीन पर हम सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो पहला सवाल, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरा सवाल, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। और तीसरा सवाल, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। एक ही सवाल में तीनों सवाल हमने कवर कर लिया है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है परसेंटेज में। अगर इस बात को आप समझ गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सारे सवाल बड़े हंसते हुए कर लोगे। सवाल है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, और तीसरा सवाल है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो आइए हम देखते हैं। चलिए माना तीसरी संख्या, थर्ड नंबर में लिख दे रहा हूं, माना तीसरी संख्या 100। 100 ही क्यों मानते हैं प्रतिशत में, इसका भी अपना एक लॉजिक है, क्योंकि 100 में अगर मैं कहूं कि 100 का 10% बताओ तो आप कहोगे 10, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50। 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जो प्रतिशत मान होता है वही उसका वास्तविक मान भी होता है। तो अगर मैं 100 का 10% निकालता हूं तो मान क्या मिलता है 10, 100 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो मान कितना प्राप्त होगा 20। इसीलिए प्रतिशत जहां पर भी दिया होता है वहां पर हमेशा हम 100 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 100 का प्रतिशत मान निकालने में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 100 का जो प्रतिशत मान है वही उसका वास्तविक मान भी है।
तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली नंबर, पहली संख्या 100 से 20% अधिक है, तो इस बात को आप यहां पे समझ लीजिए कि अगर 100 है आपका तीसरा नंबर तो पहली संख्या क्या है भाई, 20% ज्यादा है। तो आप 100 का 20% निकालोगे, 20 आएगा, 20 ज्यादा है, तो है कितनी 120, और दूसरी संख्या 50% अधिक थी, तो 100 का 50% 50 ही होगा, 50 अधिक है तो है कितनी 150। तो अगर आपने तीसरी संख्या 100 मानी है तो पहली संख्या क्या आ गई 120 और दूसरी संख्या क्या आ गई 150। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इतनी ऐसा दिमाग आपको लगाना था कि अगर तीसरी संख्या 100 है तो उसके सापेक्ष में पहली संख्या 120 आ गई, दूसरी संख्या 150 आ गई। अब तीन सवालों के जवाब हंसते हंसते दे सकते हो। पहला सवाल, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कम का क्या होता है, यहां पर लिखाता हूं, मुझे इस बात को सुनना पड़ रहा है कि प्रतिशत कमी का सवाल है, प्रतिशत कमी होता है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। अब किसी के मन में ये डाउट आएगा कि सर संख्या तो तीन है, संख्या तो तीन है लेकिन जो तुलना हो रही है वो किनके बीच हो रही है, पहली और दूसरी संख्या के बीच में। तो आप केवल इन संख्याओं को देखें तो बेहतर होगा, तीसरी संख्या के सापेक्ष निकालनी थी इसीलिए तीसरी संख्या को हटा दीजिए। अब इनको आप हटा सकते हो, केवल आपको ये देखनी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दोनों के बीच का अंतर कितना अंतर है 30 अंतर है। और कमी का अगर सवाल है तो कमी में बड़ी संख्या आएगी नीचे, बड़ी संख्या क्या है 150 गुणे में 100, क्योंकि प्रतिशत बताना है, 3 × 15 5 × 2 = 10, तो इसका जवाब क्या आ गया 20%, यही सवाल का सही उत्तर है। दूसरा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, सवाल किसका है प्रतिशत अधिक का, प्रतिशत अधिक में भी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितना है 30 का, तो ये ऊपर आएगा। अधिक का सवाल है, वृद्धि का सवाल है, तो नीचे हमेशा क्या आएगी छोटी संख्या क्या है 120 गुणे में 100, 3 × 4 = 12, 100 से 4 को काटूंगा तो कितना आएगा 25%, तो इसका जवाब आ जाएगा 25%, बिल्कुल आसानी से। तीसरा सवाल, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ना ही प्रतिशत वृद्धि ना ही प्रतिशत कमी, केवल तुलनात्मक अध्ययन, एक संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो का को ढूंढूंगा, का के पहले क्या आ रही है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आ जाएगी नीचे, बची पहली संख्या वो आ जाएगी ऊपर, प्रतिशत बताना है गुणे में 100, तो पहली संख्या क्या है 120, दूसरी संख्या क्या है 150 गुणे में 100। अब मैं देखूंगा 0 से 0 कट गया, इधर 0 काट दीजिए, 15 × 8 = 120, 8 × 10 = 80, कितना आ गया 80%। तो कहने का मतलब है अगर आप इस बात को जानते हो तो तीनों सवाल हमने बड़ी आसानी से कर लिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा ये सेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर कोई डाउट है आपके पास तो आप उसको भी सेंड कीजिएगा। अब अगली क्लास में अगला जो भी हमारा एपिसोड होगा उसमें हम टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। ऐसे करते 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 कई टाइप हैं, 15-20 टाइप हैं जिनको हम एक एक क्लास में देखेंगे, तो परसेंटेज की क्लास भी आपकी कम से कम 10-15 क्लास लेगी। उसके बाद इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाला सवाल आप कर सकते हो, अगर विश्वास कीजिए अगर परसेंटेज आपने अच्छे से सीख लिया तो आप आने वाले अर्थमेटिक के 7-8-10 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसी उत्साह और उमंग के साथ आप बनाए रखिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।